एक बार फिर से मेरे न्यूटी चैनल यूट्यूब 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसएस मद तथा जियो भी मद का अलॉटमेंट अपडेट माह जून का, क्योंकि बकरीद पर्व आने वाला है तो शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा या नहीं होगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो आप सभी जान रहे हैं कि बकरीद पर्व का छुट्टी भी है 28, 29 और 30। बहुत से ग्रुप में मैसेज भी वायरल हो रहा है कि सोमवार को राशि एसएस मद का दून का सभी जिला को भेज दिया जाएगा, लेकिन जून का संचिका तैयार है, अभी शिक्षा विभाग में पड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग से आपको ट्रेजरी में जाएगा, उसके बाद ट्रेजरी से बिहार शिक्षा परियोजना को जाएगा, उसके बाद राशि सभी जिला को भेजा जाएगा। तो इस तरह सोमवार से मंगलवार तक वहां से शिक्षा विभाग से संचिका वापस होने की संभावना है। जैसे ही वहां से चलेगा यानी आपको बकरीद से पूर्व सभी जिला को माह जून का आवंटन भेज दिया जाएगा। अगर पहले से अगर जिला के सभी प्रखंड का विपत्र तैयार होगा और जिला कार्यालय के उपलब्ध होगा तो बकरीद में भुगतान हो सकता है, अन्यथा के स्थिति में उम्मीद बहुत ही कम है कि आपको बकरीद से पूर्व वेतन भुगतान होगा एसएस मद से माह जून का। वहीं आपको जियो भी का बता दें कि जियो भी मद का अभी 10 से 15 दिन लगने की उम्मीद है। 10 से 15 दिन बाद ही सभी जिला को आवंटन जून का प्राप्त होगा। तो इस तरह अभी शिक्षकों को करना पड़ सकता है जियो भी मद का अलॉटमेंट के लिए इंतजार, लेकिन आपको बकरीद से पूर्व एसएस मद का राशि सभी जिला को प्राप्त हो जाएगा। यह जानकारी मुझे मिली है अभी अभी प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी से, क्योंकि वह कल गए थे सचिवालय से डायरेक्ट अपडेट लिए हैं, वही अपडेट दिए हैं। तो मैं आप सभी को बता रहा हूं क्योंकि लगातार मैंने चैनल पर कमेंट भी आ रहा था, तो अभी मैंने दूरभाष पर बात की, उसके बाद मैं आप सभी को अपडेट दे रहा हूं। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक और करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।